है राखी कितना क्या? 10 रुपया। हाँ हाँ आहिला। सोना दीदी ये क्या करता रू? हाँ ये क्या करता रू? ये सब हमरा से ना देखल जाए। रोआ जीन राखी मंगवेले रहलू हम लेके आयल बानी आहिला। हाँ हसमुख अगर भैया रहते तो ई राखी हम उनकरा के बांधती। तू 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 रुक जा ई राखी ना हम भैया के फोटो पे चढ़ा के आवतानी। हाँ हाँ जा। हे कहाँ जाता ले रे? ई सब काम के करी रे? तोर बाप कि तोर मुअल का भाई? मामा ई राखी ना हम भैया के फोटो पे चढ़ा के आवतानी। तोरे राखी चढ़ावला से तोर मरल भाई वापिस ना आई है? आई है वो जरूर आई है और तू पापियन के सर्वनाश करी है। ए, बहुत जवान चलता तू है, बहुत जवान चलता है भाई। दीपक भैया हमार भैया आए हैं, अब आग फाड़ फाड़ के देख ला सन आ गए ले हमार भैया तोहनी के पाप के अंत करे खातिर। ना ई दीपक नहीं खे हो सकत। ते 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 के हमारा बहुपिया? हां अच्छा अनरा गेल बाड़ू लौकत नहीं खे तो चश्मा लगा ला। दीपक है हम दीपक। हाँ हेलो आजी साहब। हाँ बोली आजी साहब। रहुआ तो जाना तानी ना कि दीपक के मरला हफ्ता 10 दिन हो गए। हाँ तो हमारा घर में दीपक के चेहरा वाला कौन भरुपिया आयल बा वो अपने आप के दीपक कहा था। रहुआ जल्दी आई। ठीक बा थोड़ी देर रुक जो आजी साहब आवता रे वो खुदे बता दिए कि टिके हुए। आई जी के बुला ला DIG के बुला ला कलेक्टर के बुला ला और मन करे तो मजिस्ट्रेटो के बुला ला। तू अपने पिछवाड़ा के पूरा ताकत लगा ला तुहरा पिछवाड़ा से हवा निकल जाए लेकिन तू साबित ना कर पेबा कि हम दीपक नहीं। सही सोचता रहा तू लोग एकदम सही सोचता रहा हम दीपक नहीं। हम वो दीपक नहीं जो ना कि तू लोग अपना इशारा पे नचावत रहा जब उठे कहा तो उठे और जब बैठे कहा तो बैठे। हम वो दीपक हैं जौन अब तोहनी के बंदर की तरह न जाए। तो हमरा पूरा यकीन हो गयल कि तय हमार बेटा ना हुए कहे कि हमार बेटा तहरा जैसन जानवर ना रहे। सही कहती है बुढ़िया। हाँ ई सही कहती है हम तोर बेटा ना है। हम तोर बेटा है ये ना है। हम तो तोर सौतेला बेटा है। भैया बहुत शुभ दिन के आइला भैया और हमरा विश्वास के टूटे से बचा लेला। जी साहब पकड़ लिए करके कि वो है बहुरूपिया हा जौन अपना आपके दीपक कहा था गिरफ्तार करी। भाई ओ माई हमरे भाई के काम गेल अपने बेटा के नहीं के पहचान अपने बेटा के क्यों ऐसे हथकड़ी पहनावे के लगा। अजी साहब हम सही कहा था नहीं हमरा माई के दिमाग खराब हो गेल बा हमसे दूर रह के हम दीपक है। हाँ हाँ अजी साहब हम कसम खा के कहा था नहीं ये हमार दीपक भैया ही हवन। हाँ। एक मिनट अजी साहब ये दीपक का चेहरा लगा के कौनो बहुत बड़ भरुपिया हो लेकिन जल्दी ले जाए यहाँ से। ना 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 आईजी साहब हम सच कहता नहीं ये दीपक भैया बड़े। हाँ। राउर कसम खा के कहता नहीं ना आपन कसम खा के कहता नहीं कि दीपक के भैया बड़े। मामला बहुत पेचीदा हो गया बा तरह के कोर्ट में साबित करे के पड़े कि तू ही दीपक बड़े और जब तक ये बात साबित नहीं हो जात तब तक तरह के पुलिस कस्टडी में रह के पड़ी। ठीक वाली माई के दवाई खे या लोगों के दिमाग की हालत खराब हो गई बा अपने बेटा के नहीं के पहचान। जब तक ही साबित नहीं के हो जात कि वो दीपक हवन तब तक पैसा के कौनो लेन देन मत करिया लोग बुझला ना तो कानून केहू के ना छोड़ेला। ये बात याद रखिया लोग
अरे बहन, अगर ये साबित हो गई कि यह दीपक है तो हमारी जिंदगी के दीपक तो बुझा आ जाए। चुप करो भैया, वो अब ई कोर्ट में कबो साबित न कर पाई कि वह दीपक है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मिस्टर, आपकी माता हेमलता जी का कहना है कि आप उनके बेटे नहीं हैं। जी वो सही कह रही हैं, मैं उनका बेटा नहीं हूं। अगर ये मेरी मां होती तो मुझे सीने से लगा लेती, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाती। दरअसल ये मेरी मां नहीं, सौतेली मां है। आखिरी बार आपको 8 दिन पहले देखा गया और फिर अचानक से आप गायब हो गए, कहां चले गए थे? हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। ओ, हॉस्पिटल में इलाज किस चीज का? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी खाई में गिर गई, तो फिर आप अस्पताल कैसे पहुंच गए? जी नहीं, मेरी गाड़ी खाई में नहीं गिरी थी, मेरी गाड़ी ट्रक से लड़ी थी और एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रहा संजीवनी हॉस्पिटल का बिल। योर ऑनर, मैं संजीवनी हॉस्पिटल इंक्वायरी के लिए गया था, उसके हिसाब से मिस्टर दीपक जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हाँ तो आप होश में आने के बाद आपने सबसे पहले सूचना अपने घर वालों को क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे 3 दिन बाद होश आया और होश में आने के बाद डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी। 5 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार था, मैंने सोचा अपनी बहन सोना को सरप्राइज दूंगा। और 8-10 दिन घर से बाहर रहना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जो लोग मेरी मौत की कहानी रच रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ 8 दिन बाद घर आया हूं, 8 साल बाद नहीं। ये हस्ताक्षर पहचानते हैं आप? वकील साहब, लगता है आप सठिया गए हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोई भी देख के बता सकता है कि ये दीपक के हस्ताक्षर है। हाँ, ये दीपक के हस्ताक्षर है, आपके नहीं। लगता है आज भांग खा के आए हैं। जब दीपक मैं हूं तो ये हस्ताक्षर भी मेरा ही है। अच्छा, तो क्या आप ठीक ऐसा ही दूसरा हस्ताक्षर कर सकते हैं? ऐसा दूसरा क्यों, ऐसा ही कर देता हूं, कहां करना है बताइए। हाँ, संभल कर दीपक साहब, दूसरों के हस्ताक्षर की कॉपी करना इतना आसान नहीं होता। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं नहीं, समझा रहा हूं। थैंक यू योर ऑनर, मैं सिग्नेचर एक्सपर्ट से इस आदमी के सिग्नेचर और दीपक यादव के सिग्नेचर का मिलान कराना चाहता हूं, ताकि ये साबित हो सके कि ये जो शख्स अपने आप को दीपक यादव कह रहा है, क्या ये दीपक यादव ही है या उसका हमशक्ल। इजाजत है। थैंक यू मिलोर्ड। लीजिए राणा साहब, और सिग्नेचर की रिपोर्ट जल्दी मंगवा दीजिएगा। ओके। सिग्नेचर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने तक कोर्ट को मुलतवी किया जाता है। बाप रे बाप, अरे वो तो हमनियों से बड़ा वाला कमीना बुझाता, देख रहा है लोग? अरे अदालत में ऐसे सीना तान के खड़ा रहला जैसे दीपकवा के हम शकल ना दीपकवे होके। हमारा तो कौनो बहुत बड़ा सातिर बुझाता। अरे रउआ लोग झूठा ही इतना टेंशन लेता नहीं, केहू के सिग्नेचर के कॉपी कैल इतना आसान नहीं खे। कहीं कर देलास्ता, अरे तब तो हजारों करोड़ के संपत्ति गए। भैया, हम वो नागिन हैं कि हमार काटल पानी भी ना मांगेला, हमार करोड़ों रुपया तो दूर, हजार भी ना मिली ओकरा के। हुँ?
योर ऑनर, सिग्नेचर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति के हैं, यानी कि मिस्टर दीपक के। ये रही इसकी रिपोर्ट। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त दीपक पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लिहाजा यह अदालत ये फैसला सुनाती है कि अभियुक्त दीपक ही मिस्टर दीपक यादव हैं। जज साहब, आपके इस फैसले पर मुझे आपत्ति है। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, ये दीपक यादव नहीं है, ये जरूर कोई शातिर मुजरिम है जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर कानून को गुमराह करना चाहता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मोहतरमा हमारे मुवक्किल पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि ये साबित हो चुका है और कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है कि यही मिस्टर दीपक यादव हैं। जज साहब, ये दीपक यादव नहीं है। दीपक मेरा अपना बेटा नहीं, सौतेला ही सही, लेकिन मैं दीपक को पिछले 10 सालों से जानती हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जज साहब, जज साहब, इसमें और दीपक में जमीन आसमान का फर्क है। एक फैमिली के तौर पर मैं इसका टेस्ट लेना चाहती हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये दीपक यादव है या नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है, लेकिन आप जो भी टेस्ट लेंगी वो दोनों पक्षों के वकीलों के सामने लेना होगा। थैंक यू। ई सब केकर फोटो हा? ई सब दीपक के दादा, परदादा, गुरु, कुलगुरु और पुरोहित जी के फोटो हा। दीपक साहब के पहचाना तारे, उहावा तारे और अपना परदादा के फोटो पर हार चढ़ाई हैं। तबस दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। एमा से उनके परदादा के हा? बाए से तीसर फोटो, जेकर आगे पियर फूल रखल हा। दीपक, आज तोहरा परदादा के श्राद्ध है, याद है कि भुला गई ला? ला, चढ़ा दो अपना परदादा के फोटो पर, ला। अरे का भइल, का सोचत वाड़ा, चढ़ा दो। हो गयल रउआ सामने दूध का दूध और पानी के पानी। हम तो पहले ही कहत रहनी कि ये दीपक ना जरूर कोनो सातिर बदमाश है, जमन रातों रात अरबपति बने के खातिर दीपक के जगह लेवे चाहता। राणा साहब, गिरफ्तार करी एकरा के। कोना जुर्म में? कहे कि ये साबित हो गयल बा कि तय दीपक ना हुए। कैसे साबित हो गयल? वैसे कि ते अपना परदादा के फोटो पर ना कुलगुरु के फोटो पर हार चढ़ोले बाड़े। हमरा पता बा कि हमरा कुलगुरु के फोटो, शायद तू ही भुला गेल बाड़ू कि ये घर में कोनो भी पूजा अनुष्ठान में सबसे पहले कुलगुरु के पूजा होला। जा दूसरा हार लियो। मैडम, दूसरा हार लाई ले आई मैडम। हे
ये है ना हमरा परदादा के फोटो। तू ये घर के मालकिन हो, कैसे सब भुला जाता रो? अब एक काम करा, जा जाके परदादा से आशीर्वाद ले ला कि आवे वाला समय में तोहरा और तोहरा पालल कुकुरन पे कौनो विपत्ति ना आवे। मैडम यहाँ साइन करी। हाँ एमा लिखल बा कि हम हेमलता यादव ये घोषणा करतानी कि अभियुक्त के सारा टेस्ट लेहला के बाद ये साबित हो गइल बा कि ई है दीपक यादव। हम लिंग थैंक यू। आइए हो गई तसल्ली। अब एगो बात कान खोल के सुन ला कि दीपक के तरफ केहू भी आंख उठा के दोबारा देखल तो हमरा ना चाहला के बाद भी कार्रवाई करे के पड़ी। और खास कर तू ब्रजेश, तू तनिक संभल के रही है बाबू का बुझला। चला हसमुख। जी दीपक भैया। एगो कुर्सी और झाड़ू लेके आओ था। अबे लावा तानी। हाँ दीपक भैया। हाईली। हसमुख। जी भैया। हमरा गैला के बाद यहाँ काका भइल रहे रे। भैया रउआ गैला के बाद ही घर में बहुत अत्याचार भइल रहे। घर के मालकिन सोना दीदी के नौकरानी बना के ऐसा बहुत प्रताड़ित कइल गइल रहे। के कइले रहे रे सब? इमामा जी ना भगवान ना, हम ना कइले रहनी। अरे ई सब त तोहरा ही सतेली माई के काम रहे भगवान के सब। हसमुख। जी भैया। आज के बाद ही घर में झाड़ू पोछा तू लोग ना करवा। जी भैया। ई करिए भैया। हाँ दिन भर में 5 बार खाना मांगेला खाए खातिर। अच्छा। जी भैया। ताज से इनके सुबह शाम 2 रोटी और प्याज दा। ठीक बा। और काम करे से पीछे हटे। जी तो 1 बेरा के रोटी बंद। ठीक बा। चलो शुरू हो जा, शुरू हो जा। हाँ। और काका भैल रहे यहाँ? भैया ई बरजेसवा बड़का भिखारी बा, एकरा लागा ता घर में जगह ना रहे ता अपन सारा बोरिया बिस्तर बांध के राउर रूम पे कब्जा कर लेले बा। ए रुक जाओ। ए तोरा और हमरा रिश्ता के बीच में सौतेला के साथ साथ माँ शब्द जुड़ल बा, वही शब्द के लिहाज करता नहीं। नहीं तो अगर तोरे तरह कहीं सौतेला पन पे उतर गई नहीं तब तोर होश ठिकाने लग जाए। चुपचाप खड़ा होके देख। चल चल चल। फटाफट सामान समेट और निकल यहां से। हसमुख सामान रख। ए तार बाप के नौकर हैं का? हम दीपक भैया के नौकर हैं। चल फटाफट निकल। दीपक भैया चड्डी छोड़ के जा रहे बड़े बास मारा था। ए, ये अपन बदबूदार चड्डी भी ले जाए यहाँ से। हाँ। हसमुख। जी भैया चड्डी समेत बाहर फेंक। क्या आई आई
अरे काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया डब्बा गोल, खुल गया पूरा पोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ए वॉचमैन भैया। हाँ भैया। तू दरवाजा जरा ठीक से लगा ला और इनका खातिर परमानेंट दरवाजा बंद। ठीक बा। हो गई बंद। का हाल बा भाई? ठीक बा हो? ठीक ठाक बा, हेने आओ। हाँ, का बा? जानता हो तहार गड़िया में जे बैठल बा आदमी के बा? के बा? जौना पतल में खा लनू वही में छेद करेला। हाँ, और जौना मालिक के यहाँ नौकरी करत रहे धन हड़पे के कोशिश कैले रहे। अरे ससुर के। हाँ। निकल ससुरा। हाँ। कैसा नीच आदमी के बैठा ले लेवानी। हाँ। चल निकल। आवा बैठ बैठ। हाँ। निकल। अरे बाप रे। सर। वेलकम सर। का सोचे तारा लोग? तू लोग के ताली बजोला से हम खुश हो जाए? गलत सोचे तारा लोग। हमरा बनावटी प्यार पसंद नहीं खे। ना सर, एमे कोनो बनावटी नहीं खे। हम सब रउआ से बहुत प्यार करी नीजा। अच्छा, तो वो दिन ही प्यार कहाँ गेल रहे जब ब्रिजेश हमरा केबिन पे कब्जा कर लेलस। उ रंजितवा जोना के हम ऑफिस से निकाल के बाहर फेंक ले रहनी, मैनेजर बन के बैठल बा। सर, वो दिन हमनी की मजबूरी रहल सर, काहे कोई दिन राव माई भी उनके साथ रहनी। आज तो मां नहीं खे, आज हम यहाँ बानी और आज हम देखल चाहता नहीं कि तू लोग हमरा से कितना सच्चा प्यार करेला। चला चला चला, 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 चला। निकाल इनको बाहर। निकाल 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 मांगा। सस्ता के पता तो तब चली जब ये खेल खत्म हुई, अभी तो एकर शुरुआत भइल बा। निकाल के फेंका लो कचरा के बाहर। ए मामा जी, ठीक से काम करी। अरे अरे हसमुख बाबा, हमरा खातिर ले आइल हवे का? ये चुप रह तू, ये सब दीपक भैया खातिर लेके जाते नहीं। अरे रुका रुका, अरे तानी वानी हमरों के नहीं दे रहे। ए तू अपन गंदा हाथ से मत छुआ मामा, ये हमार खीर पूरी लस्सी सब गंदा हो जाई। खीर लस्सी पूरी, अरे दे दे। अरे हंसमुख हुआ तेरा के 10 को लाइका हो ये सर। तू 15 को भी लाइका हमरा कर दे बना तब वो ना मिली। अच्छा सुना सुना सुना, तारा खातिर लेके आइल बानी हो? भुला गइल रहनी। आइला तारा खातिर बा। ये तो बहुत टाइट बा। परसों के ना बनल बा तो टाइटे ना होखी। ना खाए के बाद अलावा रखा। अरे ना 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 ना, खाए के बाद दीपक भैया हाईली। अरे वाह। हाँ। पूरी खीर। हाँ। का बात शाबाश। अरे वाह, बड़ा जोरदार खीर बनने ले वाले रे। हाँ, काजू किशमिश भी डालने बनी। काजू किशमिश भी? वाह 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 वाह, आ हा हा, यही से इतना स्वादिष्ट बनल बा। हाँ। लस्सी भी बा। हाँ। वाह, केसर डालने बनी। वाह रे हसमुख, अरे यार तू तो इनाम देवे लाग लस्सी बनेले बड़े, एक नंबर। वाह शाबाश, कमाल कमाल कमाल। ए मामा का जा, जा काम करा। बहुत बढ़िया बाप, बहुत बढ़िया, शाबाश।